हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है ये है किया की सेल्टोस। सेल्टोस जानी मानी गाड़ी है, बहुत ही ज़बरदस्त कार है और एक एसयूवी सेगमेंट में ये आती है। और इसमें ये बहुत ही एक खास वेरिएंट की आज बात करेंगे जो कि आईएमटी करके आता है। आईएमटी अगर आपने नहीं सुना है तो आपको बताऊँगा कि आईएमटी क्या होता है और इसमें क्या क्या फीचर्स आ रहा है, कौन सा वेरिएंट है, कितने का है और डीजल है पेट्रोल है सब कुछ बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मॉडल की बात कर लेंगे। तो ये सामने जो मॉडल खड़ा है ये किया सेल्टोस का HTX IMT मॉडल डीजल में आप देख रहे हैं। IMT जो होता है वो इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। एक तो मैनुअल ट्रांसमिशन होगा, एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है और ये जो है इन दोनों के बीच का है, मतलब कि IMT इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें होता क्या है, आपको जनरली गियर तो दे दिए जाएंगे लेकिन जो क्लच होता है वो इसमें नहीं दिया जाता है, यानी जो क्लच होता है वो इंटरनली वर्क करता है। देखिए जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियां होती है वैसे ही यहाँ पे जो पेडल्स यहाँ पे मिलते हैं, एक जो है ब्रेक्स के लिए होता है, दूसरा जो है रेस के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन आपको गियर बॉक्स का यहाँ पे मिल जाता है, यानी गियर जब भी आप शिफ्ट करेंगे इसमें तो आपको क्लच प्रेस नहीं करना पड़ेगा। और ऐसा आप सोच रहे होंगे कि क्लच अगर नहीं है तो इसको गियर शिफ्ट करेंगे तो ये गाड़ी बंद नहीं हो जाएगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं होती है। और इसमें वही चीज़ यहाँ पे काम करती है इंटेलिजेंट, तो इसलिए इसको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन बोलते हैं। तो आज हम इसका बात करेंगे HTX IMT डीजल के बारे में। तो सबसे पहले इसके फीचर्स वगैरह देख लेते हैं। तो सामने कुछ इस तरीके से गाड़ी का लुक वगैरह यहाँ पे मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। HTX एक तरीके से आप इसको सेकंड टॉप मॉडल कह सकते हो। और यहाँ पे देखो तो ये वाले DRLs मिल जाता है जो टॉप एंड मॉडल में मिलते हैं। LED DRLs पूरा यहाँ तक जो ग्लो करता है, सही लगते हैं, दोनों साइड से एक ज़बरदस्त लुक क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जो है ऊपर देखेंगे तो क्रोम वगैरह यहाँ पे अच्छे से यूज़ किया गया है। देखो नीचे भी यहाँ पे भी क्रोम दिया गया है, एक जो है ना प्रीमियम लुक वो ज़रूर यहाँ पे फील हो जाता है। ग्रिल वगैरह ये सब ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिल रहे हैं। और इस कार में फ्रंट में सेंसर भी दिए गए हैं, देखो 1 2 3 4 जो यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। फ्रंट में सिल्वर स्किड प्लेटें हो गई, यहाँ पे LEDs में फॉग लैंप्स आते हैं, फॉग लैंप के चारों तरफ ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ पे इसके टर्न इंडिकेटर LEDs में आ रहे हैं और इसके हेडलाइट्स ये भी रिफ्लेक्टर बेस्ड LED यहाँ पे मिलते हैं जो रात में काफ़ी ज़्यादा रोशनी देते हैं। तो ये है कार का फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलता है। अब आते हैं कार के साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड से देखेंगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे कार का साइड प्रोफाइल मिल जाता है, ज़बरदस्त लगता है भाई, अमेजिंग साइड प्रोफाइल यहाँ पे कार का मिल रहा है। डायमेंशन वगैरह आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पे लंबाई जो है 4365 mm की मिल जाती है, कार की चौड़ाई वो 1800 mm की और कार की ऊंचाई वो 1645 mm तक का मिल जाती है। वहीं इसमें जो है व्हील बेस की बात करेंगे तो 2610 mm का मिल जाता है, जो अंदर का स्पेस काफ़ी अच्छा यहाँ पे बन जाता है इसकी वजह से। और यहाँ पे इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 190 mm का मिलता है। यहाँ पे व्हील्स कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिलने वाले हैं, देखो ग्रे कलर के यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलते हैं, डिज़ाइन अच्छे लग रहे हैं। बीच में किया का लोगो 5 नट के साथ है, गुडियस के टायर फिलहाल इसमें आ रहे हैं। जो प्रोफाइल मिलता है वो 215/60R17 का यहाँ पे मिल रहा है। फ्रंट में वेंटिलेटेड डिस्क, रियर में देखेंगे तो रियर में जो है सॉलिड डिस्क आ रहे हैं कुछ ऐसे। यहाँ पे कार का व्हील आर्क यहाँ पे ना ज़्यादा चौड़ी ना ज़्यादा पतली, एकदम मीडियम क्लास के यहाँ पे मिलते हैं, कार पे बहुत ही ज़्यादा सूट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे इसमें ए पिलर वो ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ आ जाते हैं। मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। टर्न इंडिकेटर ORBM पे आ रहा है। इसके नीचे अगर देखेंगे तो कुछ भी यहाँ पे नहीं आता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो विंडो वेडिंग यहाँ पे मिल जाता है क्रोम में, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। क्रोम में डोर हैंडल्स रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, यानी पुश स्टार्ट स्टॉप फीचर इसमें आते हैं। यहाँ पे बी पिलर जो है वो मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ आता है, यानी ब्लैक टेप्ड आउट आप इसको कह सकते हो। ऊपर रूफ रेल्स मिल जाता है सिल्वर कलर में। और यहाँ पे सी पिलर में थोड़ा सा जो है ग्लास एरिया दिया है, अच्छे लग रहे हैं काफ़ी। यहाँ पे डोर के साइड की तरफ देखेंगे तो साइड मोल्डिंग की तरह यहाँ पे सिल्वर लाइनिंग एक दिया गया है जो साइड से डोर बहुत अट्रैक्टिव यहाँ पे बना देता है। तो ये है कार का साइड प्रोफाइल। अब आते हैं कार के रियर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है काफ़ी कमाल का यहाँ पे लगता है, लेकिन जो है आजकल कनेक्टेड वाली आने लग गई है। किया अभी भी जो बिना कनेक्ट वाली जो है LED यहाँ पे टेल लाइट्स दे रहे हैं, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं ये भी। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर देखेंगे तो LEDs में यहाँ पे मिल जाते हैं, ब्रेक लैंप्स ये भी LEDs में मिल रहे हैं, बहुत सही है। सेल्टोस की बैजिंग हो गई। यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट जो है वो हैलोजन बल्ब के साथ है। रिवर्स कैमरा यहाँ पे मिलता है। वाइपर डिफॉगर हाई माउंट स्टॉप लैंप, इसके अंदर जो बल्ब है वो हैलोजन बल्ब है। ऊपर जो है शार्क फिन एंटीना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है। सेंसर यहाँ पे देख लेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ पे सेंसर्स मिल रहे हैं रिवर्स पार्किंग के। और ये जो है ना पूरा जो ये आप देख रहे हो ये ग्लॉसी ब्लैक के अंदर यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे रिवर्स लैंप रिफ्लेक्टर हो गया और सिल्वर कलर के स्किड प्लेटें यहाँ पे मिलते हैं, अच्छे लग रहे हैं इसका रियर प्रोफाइल। और यहाँ पे IMT है तो IMT की बैजिंग कर दी गई है कुछ ऐसा। अब इसके बूट की तरफ चलते हैं।
तो बूट यहाँ से ओपन हो जाएगा, तो बूट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पेस के साथ मिलता है, 433 लीटर का यहाँ पे पूरा स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे के साथ यहाँ पे मिल रहा है, देखो लगेज लैंप भी है जो कि हैलोजन बल्ब में यहाँ पे मिल रहा है, और इधर हुक एक दिया गया है। और एक चीज़ यहाँ पे कमाल का मिलता है, ये ना जो स्टेपनी निकालने के लिए यहाँ पे स्प्लिट करके ये ऑप्शन मिल जाता है, मतलब ये ना इस तरीके से फोल्ड हो जाता है, देखो मतलब इसको पूरा आपको निकालना नहीं पड़ेगा, उतार के कहीं पर निकालना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आप फोल्ड कर दो फिर इस स्टेपनी को आप निकाल सकते हो। यहाँ पर 265/65R16 का यहाँ पे स्टील रिम मिलता है, जैक वगैरह इसके अंदर है, फर्स्ट एड किट फिलहाल यहाँ पे रखा हुआ है, कर देते इसको बंद। बंद करने के लिए ग्रैब हैंडल मिल जाता है। अब यहाँ पे आता है इसका फ्यूल फिलर कैप की तरफ, यहाँ पे जो है इसका फ्यूल टैंक देखेंगे तो डीजल टैंक के साथ आपको डेफ टैंक मिलता है। यहाँ पे डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो 50 लीटर का यहाँ पे मिलता है, करते हैं इसको बंद। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो सबसे पहले आपको इसका इंटीरियर दिखाऊंगा ना, तो इंटीरियर देख के आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखो भाई, तो यहाँ पे इस मॉडल में HTX में लेदर सीटें वगैरह यहाँ पे आ जाता है, बीच कलर के साथ यहाँ पे मिल रहा है, ब्लैक कलर काफ़ी प्रीमियम यहाँ पे लग रहा है इंटीरियर। सबसे पहले इसका डोर ही देख लीजिए, डोर कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाता है, ग्लॉसी ब्लैक सिल्वर, काफ़ी मतलब बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये ग्लॉसी ब्लैक में है डोर लीवर, ये सिल्वर कलर में है। यहाँ पे ट्विटर्स के लिए स्पेस है, बाकी यहाँ पे देखेंगे चारों पावर विंडो यहाँ पे मिल जाता है, ड्राइवर वाला ऑटो डाउन और ऑटो अप यहाँ पे मिलता है, सेंटर लॉकिंग वाला बटन, मिरर फोल्ड करने वाला बटन ये हो गया, और ये एडजस्ट करने वाला बटन यहाँ पे मिल जाता है। कार के कीज़ देख लीजिए कुछ ऐसे यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बटन आपको एक एक्स्ट्रा मिलता है, वो क्या चीज़ है, होल्ड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। देखो ये चीज़ काफ़ी कमाल का यहाँ पे मिलता है, यानी गाड़ी को दूर से ही आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए कंडीशन होती है कुछ, जैसे गाड़ी लॉक होनी चाहिए, न्यूट्रल में होनी चाहिए, हैंड ब्रेक लगी होनी चाहिए, तभी जाके इस रिमोट से आप दूर से ही गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, मतलब अंदर कोई भी नहीं बैठा होगा फिर भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तो ये कमाल का फीचर लगता है मुझे। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है पोर्शन ये लेदर में आपको यहाँ पे मिलता है, लेदर फिनिशिंग के साथ इतना, ये जो है बीच कलर जो है ये भी भाई लेदर में, गजब है भाई, मुझे लगा ये प्लास्टिक का होगा, लेकिन भाई यहाँ पे ये जो पूरा पोर्शन आपको मिल रहा है ना ये लेदर फिनिशिंग के साथ है, सॉफ्ट टच के साथ मिल रहा है, बढ़िया है। स्पीकर ग्रिल्स हो गया, बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डोर पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पे इसके सीट की तरफ आते हैं, तो सीट देखिए भाई कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिलता है कमाल का, लेदर सीट्स के साथ यहाँ पे मिल रहा है, और इस तरीके से यहाँ पे मिलता है ना, लगता है कि ये वेंटिलेटेड है, लेकिन गाइज ये आई थिंक वेंटिलेटेड नहीं है, हाँ इस मॉडल में वेंटिलेटेड नहीं आता है, और लेकिन सीट जो है काफ़ी अच्छा है, कुशनिंग बहुत बढ़िया है, और हाइट एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे मैनुअली मिल जाता है। सीट के साइड में भी एयरबैग दिया गया है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, और टोटल इसमें 6 एयरबैग आ जाते हैं। इधर कुछ कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे हेडलाइट का लेवल जो है, मतलब फोकस को अप डाउन करना है नाइट को तो यहाँ से आप कर सकते हो, और ये जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप, इसको नीड नहीं है तो यहाँ से ऑफ कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम को डिसेबल करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन हो गया, एसी वेंट के चारों तरफ सिल्वर फिनिशिंग, सिल्वर लाइनिंग मिल रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब अंदर बैठते हैं ना, फिर अंदर से आपको फीचर्स दिखाते हैं। भाई मैं अंदर बैठ चुका हूँ, और यहाँ पे कार का इंटीरियर आप देख सकते हैं, गजब का यहाँ पे लग रहा है, ज़बरदस्त है। सबसे पहले स्टेयरिंग से स्टार्ट करेंगे तो स्टेयरिंग देखिए कुछ ऐसा यहाँ पे मिलता है, डी कट के साथ है, और लेदर रैप्ड है भाई, लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील इस मॉडल में आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे देखो ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग है, कमाल के लग रहा है। यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल्स, इधर जो है क्रूज कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे सेल्टोस की बैजिंग की गई है, और यहाँ पे देखेंगे तो इसका वाइपर वाले फंक्शन, और इधर हेडलाइट वाले फंक्शन जो कि ऑटोमेटिक के साथ यहाँ पे आ रहे हैं। एक बार एडजस्टमेंट देख लेते हैं स्टेयरिंग का, ऊपर नीचे हो जाती है और आगे पीछे, हाँ आगे पीछे भी हो जाएगी, देखो टेलीस्कोपिक है, यानी टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे इसके जो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और म्यूजिक सिस्टम ये एक ही पैनल के साथ यहाँ पे मिलता है, ऐसा लगता है ये कनेक्टेड है, लेकिन एक्चुअल में ये कनेक्टेड नहीं है, आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये ऑन हो चुका है, यहाँ पे देखो कुछ इतना जो पोर्शन है ये डिजिटल यहाँ पे मिल जाता है, बाकी इतना जो पोर्शन है यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के लिए यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे जो है इसका क्लस्टर की बात करेंगे तो सबके सब यहाँ पे डिजिटल इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे मिलता है, ये एक तरीके से आप इसको LED क्लस्टर आप बोल सकते हो, पूरा का पूरा ये डिजिटल नहीं है, यहाँ पे जो नंबर्स वगैरह ये यही LEDs में यहाँ पे शो करता है, यानी जो है डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे ग्लो करता है। जो मेन इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होता है वो बीच में मिल जाता है, कुछ ऐसा देखो TPMS वगैरह इसमें आता है हाईलाइन के साथ, मतलब कौन से टायर में कितना प्रेशर है वो दिखा देगा, और यहाँ पे डिस्टेंस टू MPT वगैरह ये सब कुछ आ रहा है, बाकी यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हर गाड़ी में जो मिलता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाता है।
और इसमें सेट करना है सेटिंग वगैरह तो वो भी आप कर सकते हो। और यहाँ पे इसके म्यूज़िक सिस्टम की तरफ आ जाते हैं, तो म्यूज़िक सिस्टम देखिए कुछ इतना सा यहाँ पे मिलता है, और ये साइज़ जो है 10.25 इंच का यहाँ पे साइज स्क्रीन का यहाँ पे मिल जाता है। एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की बात करेंगे तो उसके लिए आपको वायर कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी USB कनेक्ट करना पड़ेगा अपने फ़ोन से, तभी जाके इसमें एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले आप यूज़ कर पाएंगे। बाकी म्यूज़िक सिस्टम का जो साउंड क्वालिटी की बात करेंगे वो ज़बरदस्त है, यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर इसमें इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम वगैरह भी यहाँ पर मिल जाता है, देख सकते हो ये मैप वगैरह हो गया, नेविगेशन वगैरह, ये सारी चीज़ यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। किया कनेक्ट वाले फीचर्स यहाँ पे आ जाता है इसमें। और यहाँ पे देखें तो ये हेजेड लाइट वाला बटन हो गया, ये एसी वेंट हो गया, और यहाँ पे जो ये जो पोर्शन है ना ये मैट फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिल रहा है, मैट प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ गजब का यहाँ पे लग रहा है। और यहाँ पे डैशबोर्ड देखो ना ये गाइज यहाँ पे सॉफ्ट टच के साथ यहाँ पे मिल रहा है, और ये जो है स्टिचिंग एक्चुअल में यहाँ पे तो किया नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्टिचिंग किया है, लेकिन ये जो है सॉफ्ट टच के साथ यहाँ पे डैशबोर्ड मिल रहा है, ये प्लास्टिक फिनिशिंग के साथ है। ऊपर जो है स्पीकर वगैरह नहीं आ रहा है इस मॉडल में, ये गाइज जो मूर्ति वगैरह अगर आप रखते हो तो उसके लिए ग्रिपिंग अच्छे यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल देखो तो यहाँ पे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है, ये सिंक का ऑप्शन आ रहा है इसमें। इसके अलावा यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस ऊपर मिल जाता है, और इधर जो है टाइप सी पोर्ट, USB, और यहाँ पे 12 वोल्ट आउटपुट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे भी फ़ोन रखने के लिए स्पेस मिल जाता है कुछ। और यहाँ पे ट्रांसमिशन देखेंगे तो 6 स्पीड जो है IMT ट्रांसमिशन के साथ यहाँ पे मिलता है। IMT यानी मैंने आपको बताया जो है इसमें क्लच नहीं होगा, अगर आपको गियर डालना है तो आप इजीली इस तरीके से आप गियर डाल सकते हो। और कितने भी जैसे अगर आपने मान लीजिए लोअर स्पीड में जो है आपने 6th गियर या 4th गियर आपने डाल दिया, तो ये जो है ऑटोमेटिकली इंडिकेट कर देगा कि आपकी जो गियर है वो ज़्यादा है, उसको कम करिए वरना ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, तो वो मतलब जो है इंडिकेशन कर देता है, टू 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 करके आवाज़ देता है। बाकी यहाँ पे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आपको यूज़ करोगे ना इतना मज़ा आता है, अगर इसका जो एक बार आपको आदत लग गया ना तो भाई इसका आदत छूटना बहुत ही मुश्किल है। गज़ब का ट्रांसमिशन है IMT, एक बार टेस्ट ड्राइव लेके ज़रूर देखना। और यहाँ पे देखेंगे फ्रंट पार्किंग सेंसर, इसको ऑफ करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, ये व्यू का ऑप्शन दिया गया है, यानी चलती गाड़ी पे आप पीछे का व्यू देखना है कैमरा का, तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। लेदर फिनिशिंग, सिल्वर फिनिशिंग, ग्लॉसी ब्लैक हो गया यहाँ पे, यहाँ पे हैंड ब्रेक सिल्वर फिनिशिंग के साथ आ रहा है, ऊपर यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है छोटे छोटे दो, और यहाँ पे आर्मरेस्ट देखो कुछ ऐसा यहाँ पे मिल जाता है गज़ब का, और ये पूरा लेदर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे मिल रहा है। अंदर जो है यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा वॉलेट वगैरह रखने के लिए, और ये जो है एयर प्यूरीफायर के साथ यहाँ पे मिलता है, ये देख रहे हो ये ऊंचा हुआ, ये जो है एयर प्यूरीफायर है। यहाँ पे स्क्रीन मिल जाता है देखो, अभी AQI अभी 29 पे है, मतलब अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डस्ट पार्टिकल है, जितना कम होगा नंबर उतना अच्छा होता है एयर। और यहाँ पे मूड है अलग अलग, जैसे कि दूसरे नंबर पे चल रहा है, तीसरे पे ये हो गया, और ये जो है फुल पे चल रहा है। आवाज़ सुनो भाई, सुन रहे हो, ये है इसका जो है एयर प्यूरीफायर, मतलब बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। और यहाँ पे इसके ग्लव बॉक्स देख लेंगे तो कुछ इतना सा स्पेस के साथ यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिलता है। इधर जो है किया कनेक्ट वाले फीचर्स, SOS और RSA का बटन यहाँ पे मिल जाता है, ऑटो डिमिंग, IRBM यहाँ पे मिल जाता है सेंसर वाले जो होते हैं। और यहाँ पे देखो तो कुछ इस तरीके से टिकट होल्डर यहाँ पे दिया गया है, लाइटें वगैरह सब LEDs में यहाँ पे मिल रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे सनरूफ मिल जाता है इस मॉडल में, पैनारोमिक सनरूफ है, कमाल का है, मज़ा आ जाता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वैनिटी मिरर वगैरह मिल जाता है, और इधर देखो भाई जो है सनग्लासेस होल्डर दिया है, और ये जो है इसकी ओपनिंग बहुत कमाल की यहाँ पे मिलती है, कमाल की भाई, यहाँ पे देखो भाई ओपनिंग काफ़ी अच्छी है, करते हैं इसको बंद। तो ये था कार के इंटीरियर के बारे में, आप बताना आपको इसका इंटीरियर कैसा लगता है। बाकी इसके रियर कैबिन एक बार चेकआउट कर लेते हैं, कैसा कुछ यहाँ पे स्पेस वगैरह मिल रहा है देख लेते हैं, चलते हैं अंदर, डोर को ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसा आपने सामने डोर देखा वैसा ही सेम पैटर्न में यहाँ पे भी मिलता है, वही वाला जो है सॉफ्ट टच के साथ यहाँ पे जो लेदर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे ये जो पोर्शन मिल रहा है बीच कलर में, और ये पूरा लेदर फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हैंडरेस्ट मिल जाता है, पावर विंडो वाला बटन, डोर लीवर हो गया सिल्वर कलर में, ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग, यहाँ पे स्पीकर ग्रिल, बॉटल होल्डर, न्यूज़पेपर होल्डर, और ये कमाल का चीज़ यहाँ पे मिलता है, ये देख रहे हो ये कमाल की चीज़ यहाँ पे मिल जाता है, जो अंदर थोड़ा प्राइवेसी भी मिल जाता है इससे, और अंदर जो कैबिन है ना वो ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होता धूप की वजह से। यहाँ पे इसके सीट देखेंगे ना आप, कुछ ऐसा यहाँ पे मिलता है गज़ब का है, और यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है, ये जो है ना ये चीज़ बहुत बेनिफिट यहाँ पे देता है, यदि ज़्यादा सामान हो यहाँ पे तो एक सीट को फोल्ड कर दो, चाहे वो वाला करो चाहे ये वाला, और तीन लोग जो है आराम से यहाँ पे बैठ के आ सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे मिल जाता है 60-40 स्प्लिट वाला फीचर। और यहाँ पे 2-स्टेप रिक्लाइनिंग फीचर के साथ आता है, ये देखिए ये पूरा रिक्लाइनिंग है, अगर रिक्लाइनिंग थोड़ा कम करना है तो यहाँ पे आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे देखो ये गैप आ रहा है ना, तो ये जो है रिक्लाइनिंग थोड़ा कम हो गया, ज़्यादा बढ़ाना है तो कंफर्ट बढ़ाना है तो ऐसे करके रिक्लाइनिंग ज़्यादा कर दो। और यहाँ पे हेडरेस्ट तीनों जो है एडजस्टेबल के साथ यहाँ पे आ रहा है, तीनों सेम साइज़ के हैं,
आर्मरेस्ट बीच में मिल जाता है, सेंटर आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ है, और तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। आइसोफिक्स वगैरह यहाँ पे आ जाएंगे, बच्चों वाली जो सीट आता है वो लग जाती है। अब यहाँ पे बैठते हैं, अंदर स्पेस देखते हैं कितना मिलता है। तो ये देखिए गाइस, स्पेस कमाल का यहाँ पे स्पेस मैनेजमेंट यहाँ पे किया गया है। जो 2610 mm का जो व्हील बेस है उसका स्पेस यहाँ पे ज़रूर नज़र आएगा। यहाँ पे रियर एसी वेंट देख लीजिए, कुछ ऐसा यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, दो दो यहाँ फ़ोन रखने के लिए स्पेस। ये हो गया इसका सीट बैक पॉकेट, इस साइड में सीट बैक पॉकेट दो मिल जाता है, ऊपर एक नीचे। यहाँ पे ग्रैब हैंडल कुछ ऐसा यहाँ पे मिलता है, और ये लाइटें वगैरह यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से LEDs में दिया गया है। यहाँ पे एक तरफ हुक है, एक तरफ में नहीं है। और ये है कार का इंटीरियर। तो अब बात करते हैं इसके इंजन की कि क्या पावर इसमें मिल जाता है, फिर इसकी कीमत की बात करेंगे। तो यहाँ पे बोनट काफ़ी हैवी यहाँ पे मिल जाता है, बोनट उठाएंगे तो पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो इंसुलेशन प्रॉपर यहाँ पे करा गया है NVH लेवल वगैरह कम करने के लिए। लेकिन इसका जो डीजल इंजन है ना, काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड यहाँ पे मिलता है। CIDI इंजन यहाँ पे मिल जाता है 16 वॉल्व के साथ, जो कि 4 सिलेंडर है। और इसमें CC की बात करेंगे तो 1.5 लीटर का यहाँ पे इंजन आता है, यानी 1493 CC का। इस इंजन की पावर वगैरह की बात करेंगे तो 114 BHP का पावर जनरेट करता है। और इसका जो टॉर्क है भाई, वो 250 Nm का टॉर्क जनरेट करके दे देता है। और इतना बढ़िया इंजन यहाँ पे माइलेज जो निकाल के देता है, वो करीबन 20.7 KMPL का माइलेज निकाल के देता है, जो कहीं ना कहीं एक ज़बरदस्त माइलेज आप इसको कह सकते हो। तो ये है इसके इंजन के बारे में, कर लेते हैं इसको बंद। तो ये देखा आपने किया सेल्टोस का HTX IMT डीजल में, तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अब इसकी कीमत की बात करते हैं, तो कीमत जो है इसका एक्सशोरूम कीमत है वो 17,18,900 इसका एक्सशोरूम कीमत है। और ऑन रोड के लिए मैं कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करके इसका ऑन रोड प्राइस यहां से आप पता कर सकते हैं, यानी रुद्रपुर उत्तराखंड। और गाड़ी को अगर बुक कराना चाहते हैं तो बुक भी करा सकते हैं। कैसे लगी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।